हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड फन जंक्शन में। मैं साहब बट्टी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है, इलेक्शन के रिजल्ट के आने के ठीक अगले दिन ही HSSC हरकत में आ चुकी है। आप लोगों को पता होगा 25 अक्टूबर को इन्होंने कुछ और एक्स्ट्रा एडिशनल कैंडिडेट्स का रिजल्ट निकाला था HSSC JEE के लिए। तो अब बताना चाहूँगा कि उससे अगले दिन 26 अक्टूबर को आप देख सकते हैं कि इन्होंने दो नोटिस जारी किए हैं। एक नोटिस इंटरव्यू का है, लेक्चरर के इंटरव्यू का, और एक है शेड्यूल दिया गया है HSSC JEE का, सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये शेड्यूल 11 नवंबर से 22 नवंबर के बीच होना है, तो उसका जो एक पैटर्न दे दिया है कि कौन सा रोल नंबर किस दिन को आएगा, उस शेड्यूल को इन्होंने आगे जारी कर दिया है। तो मैं बताऊंगा आपको कि कैसे ये शेड्यूल दिया गया है और किस डेट को आपने जाना है। आप ये चेक कर सकते हैं शेड्यूल के अंदर, इस नोटिस के अंदर। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि इस नोटिस के अंदर उन्होंने एक तो फॉर्म भरने को बोला है, जो कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम लेके जाना है, और एक उन्होंने प्रेफरेंस भी मांग ली है आप लोगों से। जो कैंडिडेट है उनसे प्रेफरेंस भी मांग ली गई है, कौन सा डिपार्टमेंट आप भरेंगे वो आपने देख कर भरना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने HSSC की साइट पे जाना है। तो यहाँ से आप HSSC की साइट पे जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे, सबसे नीचे ये देखिए पब्लिक नोटिस। यहाँ पे पब्लिक नोटिस का ऑप्शन है। पब्लिक नोटिस पे आप देख सकते हैं, पब्लिक नोटिस के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज आ जाएगा। इसमें आप सबसे टॉप पर देख सकते हैं जो पहले दो ऑप्शन हैं वो 26 अक्टूबर को डाले गए हैं, जिसमें सबसे पहला है इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन सक्रूटिनी फॉर्म, जांच के लिए आपका एक ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। और साथ ही इन्होंने जो दूसरा नोटिस है वो लेक्चरर के लिए, इंटरव्यू के लिए नोटिस निकाला है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है डाउनलोड का, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे ही आप PDF पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक फ़ाइल खुल जाएगी। तो यहाँ पर ये फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर डाउन फाइल करेंगे तो इसको ओपन करेंगे तो ये ओपन हो गई है। तो आप इसमें क्लियरली, यहाँ पे क्लियरली इन्होंने मेंशन किया है, यहाँ से स्टार्ट करूँगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने देखिए लिखा है कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर सेक्रेटरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स शैल फिल देयर सेक्रेटरी फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म 4 नवंबर 2019 से 8 नवंबर 2019 तक कैंडिडेट अपना ये फॉर्म भरेंगे, और ये फॉर्म आपने लेके जाना है DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, ठीक है। तो इसमें इंस्ट्रक्शन दे रखी है, एक लिंक आएगा HSSC की जो साइट है उसके ऊपर आपने लिंक पे क्लिक करना है। तो आगे ये जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने हैं, और एक फाइनल सबमिशन होगा फॉर्म का, और आपने उसको एक फॉर्म निकलेगा, फॉर्म के ऊपर आप साइन करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लेके जाएंगे। और उसमें टॉप पर इसमें एक जो फिफ्थ ऑप्शन में लिखा है ऑन द टॉप ऑफ सेक्रेटरी फॉर्म फ्रॉम सीरियल नंबर, एक सीरियल नंबर होगा, टाइम स्लॉट लिखा होगा, टाइम लिखा होगा, कमेटी लोड की जाएगी आपको जिसके कैंडिडेट को किस दिन आना है और कब और कौन सी कमेटी उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का उनको अटेंड करेगी। तो ये एक आपके सामने अब शेड्यूल आ चुका है, आप देख सकते हैं शेड्यूल में आप सबसे पहले देखिए हॉर्टिकल्चर के हैं 8 से 28 कैटेगरी जो थी उसमें हमने देखिए हॉर्टिकल्चर के जो 11 को बुला रखे हैं, इलेक्ट्रिकल के जो हैं वो 13 से 15 तक बुला रखे हैं, अलग अलग रोल नंबर आप यहां से देख सकते हैं। अगर जूनियर मैकेनिकल की बात करूं तो 16 तारीख को बुला रखे हैं, यहां पे 16 तारीख को आप देख सकते हैं,
जो बात करूंगा कि जूनियर इंजीनियर सिविल, सिविल के जो हैं 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 दिन सिविल के चलेंगे क्योंकि सिविल की सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं। तो आप मेरी वीडियो आगे भी देखिए, तो इसमें इन्होंने मेंशन किया कि द वेन्यू प्लेस फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी इन्फॉर्म लेटर थ्रू ऑफिशियल साइट। आपको ऑफिशियल साइट के थ्रू आपको बताया जाएगा कि आपका जो वेन्यू है वो कौन सा है। आप ये सबसे नीचे देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है देखिए, तो इस लाइन को आप पढ़ सकते हैं, द वेन्यू प्लेस फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन विल बी इन्फॉर्म्ड लेटर थ्रू ऑफिशियल साइट। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आपको बताना चाहूँगा कि इन्होंने प्रेफरेंस के लिए भी लिंक ओपन जो आपने करना है वो होगा, जो प्रेफरेंस भरवाएंगे वो भी आपसे पहले ही भरवा लेंगे। तो ये भी सबसे बड़ी बात है, आप 31/10 से लेकर 6/11/2019 तक यह लिंक ओपन रहेगा, इनेबल रहेगा। तो आप इस लिंक पर जाकर अपनी प्रेफरेंस भर सकते हैं। इन्होंने आगे एक और लाइन मेंशन की है, वो आपको पढ़ाना चाहूँगा। इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू फिल द प्रेफरेंस थ्रू ऑनलाइन मोड फॉलोइंग विच देयर कैंडिडेचर विल बी कंसिडर्ड एज कैंसल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन में अगर आप कहीं पे मतलब कि वो कह रहा है कि ऑनलाइन आपको मस्ट है, ऑनलाइन आपको भरना ही पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि अगर आप ऑनलाइन भरते हो फेल हो जाते हैं तो आपको कैंसल, आपका जो कैंडिडेचर है वो आपको कैंसिल माना जाएगा। तो आगे क्या है कि एक लिंक होगा, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, यहाँ से एक नंबर से देखिए, क्लिक ऑन फिल प्रेफरेंस पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियरिंग। जैसे आपके पास ऑब्जेक्शन क्लर्क के लिए, ऑब्जेक्शन के लिए आपके पास एक लिंक आया था, वैसे ही अब एक लिंक आएगा फिल प्रेफरेंस फॉर पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर। तो वहाँ पर अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना है, उसके बाद आपका जो नॉर्मल प्रोफाइल है वो आपकी ओपन हो जाएगी। तो आगे इसमें सारा आप देख सकते हैं, सारा इसके अंदर मेंशन कर रखा है, इसके लिए अलग से एक वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। तो आज का जो मेरा मकसद था वो ये दिखाना था कि HSSC हरकत में आ चुकी है, अब बढ़िया से बड़े ऐलान होने वाले हैं, अब जल्द ही आपको और भी जॉब्स दिखेंगी। आपको जो टाइम पे बोला गया है, जिस टाइम पे बोला गया है, आपका जो शेड्यूल है एग्ज़ाम का, ग्राम सचिव का, पटवारी का, और भी सब इंस्पेक्टर हैं, तो उन सभी का आपको जो एक शेड्यूल मिला हुआ है उसी शेड्यूल पे सारे के सारे आपको एग्ज़ाम मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात आपको ये बता दूँ कि JEE की जो भर्तियाँ हैं ये इन्होंने दिसंबर से पहले कंप्लीट करनी है, जिस हिसाब से ये चल रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियोस, ताकि मैं आपके लिए और भी बढ़िया से बढ़िया वीडियो लेके आता रहूँ। अगर कोई पे कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में मुझे हमेशा शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए और भी हेल्पफुल वीडियो लेके आ सकूँ और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल हो सकूँ। थैंक यू।